गांव मोहल्ले में बनकर तैयार हो रहा है। ये देखिए इधर को जो आपको पूरा गांव मोहल्ला नजर आएगा फ्रेंड, देखिए कितना बड़ा गांव मोहल्ला है फ्रेंड। सऊदी अरब में एक बात तो है, सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर हॉस्पिटल और जो मस्जिद और स्कूल सबसे ज़्यादा ध्यान देती है गवर्नमेंट से यहाँ पर। तरीके से कुछ यहाँ पर ये इतना बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है गाँव मोहल्ले में, कुछ नहीं पाउडर पाउडर ही नज़र आएगा। देखिए फ्रेंड कितना तूफान से चलता है, अभी जो है सुबह का टाइमिंग है, ज़्यादा टाइम भी नहीं। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब लोग, आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये जो मेरे पीछे आपको जो नज़र आ रहा है फ्रेंड, ये गांव मोहल्ले में सऊदी अरब में हॉस्पिटल बनकर तैयार हो रहा है। ये देखिए कितना बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है फ्रेंड ये, और इसी हॉस्पिटल के जो पार्किंग बनाने का काम दिया गया है फ्रेंड, वो हमारी कंपनी को दिया गया है। ये हमारी कंपनी काम कर रही है जो पार्किंग बन रही है अभी, इसकी जो चार तरफ की फ्रेंड जो है रोड होती है और जहाँ पर गाड़ी खड़ी होती है, तो वो जो है काम हम लोगों की कंपनी को मिला गया है। और ये जो हॉस्पिटल बन रहा है फ्रेंड, ये कोई दूसरी कंपनी की काम कर रही है। और ये देखिए फ्रेंड, ये हॉस्पिटल इतना बड़ा हॉस्पिटल जो है ये सऊदी अरब के गांव मोहल्ले में बनकर तैयार हो रहा है। ये देखिए इधर को जो आपको पूरा गांव मोहल्ला नज़र आएगा फ्रेंड, देखिए कितना बड़ा गांव मोहल्ला है। देखिए सऊदी अरब के घर भी बने हुए हैं, और उधर देखिए वो जो गाड़ी खड़ी हुई है वो भी हमारी कंपनी की खड़ी हुई है। ये देखिए इसी गांव मोहल्ले में फ्रेंड ये इतना बड़ा हॉस्पिटल बनकर तैयार हो रहा है। और देखिए फ्रेंड, इस गांव मोहल्ले में कितनी अच्छी मस्जिद बनी हुई है वो देखिए। देखिए फ्रेंड, सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा मस्जिद ही देखने को मिलेंगी, और बहुत ही बड़ी बड़ी मस्जिद, एक से एक डिज़ाइन की मस्जिद देखने को मिलती है यहाँ पर। और देखिए कितनी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है वो भी। तो देखिए फ्रेंड, ये चारों तरफ का ये नज़ारा है इस गाँव का। और फ्रेंड, इसी गाँव में जो है ये हॉस्पिटल जो है बनकर तैयार हो रहा है, और इसी जगह आज हम लोग जो है काम कर रहे हैं फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड, अभी जो है सुबह के बज रहे हैं 5 बजे, मतलब हमारी 3 बजे ड्यूटी लगी हुई है फ्रेंड। तो देखिए अभी जो है सऊदी आदमी कोई भी आपको नज़र नहीं आएगा, अभी जो है अपने अपने घरों में सो रहे हैं सऊदी अरब के आदमी। और देखिए हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, भी आराम से सो रहे हैं, यही ज़िंदगी होती है फ्रेंड। तो क्या करें, हम तो काम करेंगे। तो ये देखिए इतना ही बड़ा जो है यहाँ पर सऊदी अरब में ये हॉस्पिटल बनकर तैयार होने वाला है कुछ समय में। तो अभी जो है हमारी कंपनी की जो है इसमें पार्किंग बनाने का काम चल रहा है, और इधर जो मेरी जेसीबी भी खड़ी हुई है, कुछ काम कर दे रही है अभी। तो इसको जो है अच्छे से लेबल करेगी, लेबल करने के बाद इस पर एक्सपर्ट एक्सपर्ट हो जाएगा फ्रेंड। फिर तो उधर एक मशीन चल रही है देखिए फ्रेंड, वो है ग्लेडर, देखिए वो जो है उसको रोड का लेबल करके एक्सार करके ला रही है। ये देखिए पूरा एक्सार कर देती है, तो वो अभी जो है मिट्टी एक्सार कर रही है फ्रेंड। और उधर कुछ हमारे भाई लोग काम भी कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, इधर का जो है इसने मशीन ने लेवल कर दिया पूरा रास्ता, देखिए कितना अच्छे से लेवल कर दिया है। तो ये काम हमारी कंपनी को दिया गया है फ्रेंड यहाँ पर, और यही हम काम कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, सऊदी अरब में एक बात तो है, सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर हॉस्पिटल और जो मस्जिद और स्कूल सबसे ज़्यादा ध्यान देती है गवर्नमेंट से यहाँ पर। एक से एक डिज़ाइन वाले हॉस्पिटल, एक से एक डिज़ाइन वाले मस्जिद उजिद सब बनाती है। तो इसी तरीके से कुछ यहाँ पर ये इतना बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है गांव मोहल्ले में। देखिए फ्रेंड, ये गांव मोहल्ला है, कोई शहर नहीं है, तो गांव मोहल्ले में भी इतना बड़ा हॉस्पिटल बनते हैं यहाँ पर। इन चीज़ों पर बहुत गौर दी जाती है यहाँ पर सऊदी अरब में। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपके लिए नई वीडियो ले कर आता हूँ सऊदी अरब से, ताकि आपको भी सऊदी अरब का कुछ दृश्य देखने को मिले और ये नई नई चीज़ें देखने के लिए मिल सके। तो फ्रेंड प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, और अगर आप इस वीडियो में पहली बार आते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो फ्रेंड। तो चलिए अभी फ्रेंड देखें हमारी कंपनी क्या क्या काम कर रही है यहाँ पर, और क्या क्या कौन कौन सी गाड़ी काम कर रही है, मैं आपको सब दिखाता हूँ। देखिए वो अभी जो है ग्लेडर उसको लेबल कर दिया फ्रेंड, पूरा मिट्टी एक्सार कर देगा वो। देखिए उसके जो नीचे बीच में ब्लेड लगा हुआ है फ्रेंड, और वो ही लेबल करता चला जाता है उसको अच्छे से। देखिए पूरा मिट्टी जो है आपको खींच के लेके जा रहा है फ्रेंड ये। वो देखिए फ्रेंड पीछे से कितना अच्छा लेवल करके ला रहा है, पूरा जो है एक्सार करके ले आता है। फिर इसके ऊपर काला काला गोलदार बिठा देते हैं, जिसको एक्सपर्ट बोलते हैं फ्रेंड। यहाँ पर ऐसे काम चलता है यहाँ पर। देखिए ये मशीनें तो वैसे इंडिया में भी देखने को लिए मिलती हैं,
जो जहाँ पर रोड वर्किंग का काम चलता है फ्रेंड, हर जगह ये मशीन ज़रूरी होती है। देखिए फ्रेंड, इस मशीन का सैलरी भी अच्छा खासा होता है जो ड्राइवर चलाता है। चलिए देखिए फ्रेंड, इधर जो है वो मशीन, एक मशीन चल रही है और गाली लोड रही है मिट्टी की। देखिए वो जो मतलब यहाँ का कचरा निकला हुआ था फ्रेंड, तो वो हमारी कंपनी ने उधर इकट्ठा कर दिया था यहाँ का कचरा निकला हुआ। और देखिए फ्रेंड, जब यहाँ पर कचरा इकट्ठा हो जाता है तो फिर बल्दिया उसको ऑर्डर देता है कि यहाँ से उठा लो, ज़्यादा समय तक नहीं रोकते। तो वहाँ से इसीलिए कंपनी उठा रही है, उठाए के अपनी कंपनी कहीं भी डालेगी उसको, पता नहीं। तो देखिए वो अभी उसको गाड़ी लोड कर रही है, मिट्टी लोड हो रही है वो। देखो फ्रेंड कितनी धूल उड़ रही है, तो यहाँ पर इतनी धूल उड़ती है फ्रेंड क्योंकि पूरा सूखा पाउडर सा होता है। और उस मशीन में भी देखो कोई केबिन नहीं है और गिलास नहीं है, तो पूरे दिन देखे फ्रेंड हम लोग धूल मिट्टी ही खाते हैं। क्या करेंगे फ्रेंड, मजबूरी है ना, तो ऐसे ही यहाँ पर काम करना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से यहाँ पर काम चलता है। वो देखिए कितनी धूल उड़ रही है फ्रेंड उस गाड़ी के पास, देखिए पूरा जो है आपको कुछ नहीं, पाउडर पाउडर ही नज़र आएगा। देखिए फ्रेंड कितना तूफान सा चलता है। अभी जो है सुबह का टाइम ही है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा है। वो देखिए कितनी धूल उड़ रही है, कुछ भी नज़र नहीं आता फ्रेंड एक बार को तो। देखिए फ्रेंड यहाँ पर रह रह कर आँख भी ख़राब हो जाएगी जल्दी। और देखिए इधर अभी देखिए सुबह का टाइमिंग है, अभी सूरज निकल कर आ रहा है उधर लाल लाल। और अभी इधर देखिए जरा, ये जो मशीन ग्लेडर चल रही थी वो उसको इकट्ठा कर गई है मशीन में वो मिट्टी, ताकि वो उसका यहाँ तक उसके टायर नहीं आते फ्रेंड। तो ये मेरी जेसीबी को करना पड़ेगा, यहाँ पर अच्छे से इकट्ठा कर देगी उसको फिर। अभी देखिए फ्रेंड, मैं इसको थोड़ी देर में इकट्ठा करने वाला हूँ, ताकि वो अभी जो है मशीन से एक्सचार्ज नहीं हुआ तो मेरी मशीन इसको एक्सचार्ज करेगी। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ के मैं आपको हाल दिखाता हूँ कैसे कैसे यहाँ पर काम चलता है, कैसे कैसे क्या क्या होता है, सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में। तो आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये मैं आपके लिए साउथ अरब से रिलेटिव और नई नई वीडियो लेके आता रहूँगा फ्रेंड।